हमारे अति तृतीय भाग एक कक्षा आठ के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक बाल अधिकार घोषणा पत्र। 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। बच्चे की देखरेख और पालन पोषण की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर माँ बाप के ऊपर होती है। राज्य बच्चे के अधिकारों का सम्मान करता है और उन्हें साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति। मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है, अनुच्छेद 42। मेरे अधिकार बच्चा होने के नाते मुझे मिले हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता या रहती हूँ, मेरे माँ बाप क्या करते हैं, मेरी भाषा क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं लड़का हूँ या लड़की, मेरी संस्कृति कौन सी है, मैं विकलांग हूँ या नहीं, मैं गरीब हूँ या अमीर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी आधार पर मेरे इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। इस बात को जान लेना सबके लिए जरूरी है। अनुच्छेद 2। मुझे अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है और उसे हर व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। अनुच्छेद 12 और 13। मुझे गलती करने का अधिकार है और हर एक को यह मानना होगा कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अनुच्छेद 28। मुझे भी हर चीज में शामिल किया जाए, चाहे मेरी क्षमता कुछ भी हो, और हर एक को अपने से भिन्न औरों का सम्मान करना चाहिए। अनुच्छेद 23। विकास। मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। अनुच्छेद 23, 28 और 29। मुझे अपने स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार है और यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह औरों को ये बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और पीने का साफ पानी मुहैया कराने में मदद दें। अनुच्छेद 24। मुझे भरपेट खाने का अधिकार है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह किसी को भी भूखों न मरने दे। अनुच्छेद 24। मुझे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है और सबकी यह जिम्मेदारी है कि वे उसे प्रदूषित न करें। अनुच्छेद 29। मुझे खेलने और आराम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 31। देखभाल और सुरक्षा। मेरा अधिकार है कि मुझे प्यार किया जाए और किसी भी तरह के दुराचार व नुकसान से मुझे बचाया जाए। हर एक की जिम्मेदारी है कि वह औरों को प्यार करे, उनकी देखभाल करे। अनुच्छेद 19। मुझे एक परिवार व सुरक्षित तथा आरामदेह घर का अधिकार है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि सभी बच्चों को परिवार और घर मिले। अनुच्छेद 9 और 27। मुझे अपनी विरासत और मान्यताओं पर गर्व करने का अधिकार है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह औरों की संस्कृति व मान्यताओं का सम्मान करे। अनुच्छेद 29 और 30। मुझे हिंसा, मौखिक, शारीरिक, भावात्मक, इन सब से आज़ाद जीवन का अधिकार है। हर एक की जिम्मेदारी है कि वह किसी के साथ हिंसा न करे। अनुच्छेद 28 और 37। मुझे आर्थिक और यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। हर एक की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी भी बच्चे को जबरन काम पर न रखे और बच्चों को एक आज़ाद और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराए। अनुच्छेद 32 और 34। मुझे किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि कोई किसी भी तरह मुझे इस्तेमाल न करे, मेरा फायदा न उठाए। अनुच्छेद 36। आमुख। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक विद्यालय और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि विद्यालयों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने
और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक विद्यालय में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार विभा पार्थसारथी की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जीपी देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर लिखार लाने के प्रति समर्पित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके। यह आमुख है निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से। विषय सूची आमुख एक, कैसे, कब और कहाँ। दूसरा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीन, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चार, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पाँच, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। छः, उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी।